हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम सब बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में सभी स्टूडेंट्स का बेसब्री से इंतजार था कि सर आने वाली एग्जामिनेशन जो अपकमिंग सेमेस्टर की एग्जामिनेशन है या मुंबई यूनिवर्सिटी आइडल डिपार्टमेंट के जो एग्जामिनेशन आने वाले टाइम में होने वाली है वो ऑनलाइन पैटर्न में होगी कि ऑफलाइन पैटर्न में, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि जिस तरीके से पैंडेमिक की सिचुएशन बनी हुई थी, मुंबई यूनिवर्सिटी और उसके जितने भी अफिलेटेड कॉलेजेस थे, आइडल डिपार्टमेंट थे, उन्होंने अपनी एग्जामिनेशन को ऑनलाइन मोड पर शिफ्ट किया था। बट जैसे जैसे पैंडेमिक का सिचुएशन खत्म होने की कगार पर जा रहा था और यहाँ पर जितने भी एक्सपर्ट्स थे उनका ऐसा मानना था कि आने वाले सेमेस्टर ऑफलाइन तरीके से होनी चाहिए, लेकिन सडनली ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ने की वजह से यहाँ पर एक और प्रोबेबिलिटी बन गई कि क्या आने वाला सेमेस्टर हमें कंटिन्यू करना चाहिए ऑनलाइन पैटर्न में। सबसे बड़ा क्वेश्चन था, लोगों के मन में क्वेरीज भी थी, बच्चों के मन में कंफ्यूजन का माहौल था कि क्या हो सकता है। तो उससे रिलेटेड ऑफिशियल न्यूज यहां पर आई है हिंदुस्तान टाइम्स की तरफ से कि यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई माइट कंटिन्यू विथ ऑनलाइन मोड फॉर समर 2022 एग्जाम्स। यानी हो सकता है कि मुंबई यूनिवर्सिटी आने वाले टाइम में जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन है उसको 2022 के समर वेकेशन के लिए आने वाले सेमेस्टर्स के लिए ऑनलाइन तरीके से कंटिन्यू करेगा। जैसा कि सबको पता है कि COVID-19 के केसेस, ओमिक्रॉन के केसेस मुंबई या उसके आसपास के रीजन में दिन ब दिन थोड़े थोड़े बढ़ते जा रहे हैं, जिसके बाद इस तरीके की आस लगाई जा रही है कि हो सकता है कि आने वाली टाइम भी एग्जामिनेशन ऑनलाइन तरीके से कंटिन्यू करना पड़ सकता है। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जो भी इंटरनल सोर्सेस है, जितने भी स्टेक होल्डर्स है मुंबई यूनिवर्सिटी और उसकी सजेशन कमेटी में, उनका मानना यह था कि हमें एग्जामिनेशन ऑफलाइन मोड पे शिफ्ट करनी चाहिए, लेकिन केसेस को बढ़ते हुए देखकर उन्होंने इस डिसीजन को स्टैंड बाय पे रखा हुआ है कि हमें एग्जामिनेशन ऑफलाइन तरीके से लेनी है। इसका मतलब ये लग रहा है कि आने वाले टाइम में उस पर एक फाइनल डिसीजन आने वाले कुछ दिनों में आपको देखने के लिए मिल सकता है और एक क्लैरिटी मिल सकती है कि एग्जाम किस तरीके से होगा। फिलहाल डिसीजन अभी भी पेंडिंग है, आने वाले टाइम की एग्जामिनेशन ऑनलाइन होगी ऑफलाइन, इस पर डिसीजन जैसे ही आता है मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर जितने भी इंटरनल सोर्सेस है मुंबई यूनिवर्सिटीज के, उनका मानना यही है कि जो भी एग्जामिनेशन लेने की जो प्रक्रिया है वो ऑनलाइन तरीके से इसीलिए कंटिन्यू होनी चाहिए क्योंकि वैक्सीनेशन अभी तक 100% कॉलेज स्टूडेंट का नहीं हुआ है। और एग्जामिनेशन कंडक्ट करने की जब हम बात करते हैं तो अगर ऑफलाइन कंडक्ट करने के सारे बच्चे यहाँ पर आ सकते हैं और यहाँ पर केसेस राइज हो सकता है आने वाले टाइम में, इसीलिए जो डिसीजन है एग्जामिनेशन से रिलेटेड वो अभी भी पेंडिंग रखा गया है और उस पर फाइनल डिसीजन जैसे ही आता है मैं आपको इन्फॉर्म करने की कोशिश करूंगा। मेरा प्रेडिक्शन क्या कहता है या मेरा सजेशन क्या कहता है, अगर आप एकेडमिक एक्सीलेंस के हिसाब से देखोगे, एकेडमिक बिहेवियर के हिसाब से देखोगे तो आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होना तय है, लेकिन एज पर एजुकेशनिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे या एज पर उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के हिसाब से देखोगे तो ऑफलाइन एग्जामिनेशन को तवज्जो देने की बात उदय सामंत सर ने पहले भी की हुई है। तो इस पर जो डिसीजन है वो लोकल अथॉरिटी, लोकल बॉडीज के ऊपर डिपेंड कर दिया गया। वर्षा गायकवाड़ जी ने भी कल एक इंटरव्यू में क्लियरली कहा है कि कॉलेजेस कंटिन्यू करना है नहीं करना है, स्कूल कंटिन्यू करना है नहीं करना है, चालू रखना है बंद रखना है, इसकी पूरी कंप्लीट अथॉरिटी लोकल बॉडीज के ऊपर डाल दी गई है। तो अब लोकल बॉडीज डिसाइड करेगी कॉलेज को कंटिन्यू रखना है या नहीं रखना है। इन दैट केस आपके जो मॉडल है हाइब्रिड मॉडल दोनों चलने वाला है, ऑनलाइन एजुकेशन ऑफलाइन एजुकेशन दोनों। तो इसको देखते हुए मेरा सेंस ये कहता है कि आने वाले कुछ 15 से 20 दिनों के अंदर ये क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपकी एग्जामिनेशन किस तरीके से हो सकती है। फिलहाल जनवरी तक के जितने भी एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाने वाली थी महाराष्ट्र में, वो सभी के सभी एग्जामिनेशन ऑनलाइन मोड में है और जो अपकमिंग सेमेस्टर है वो ऐसे मार्च के बाद ही होने वाले हैं, तो उस पर डिसीजन जनवरी के एंडिंग तक आने के चांसेस है। सजेशंस और बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए ऑनलाइन एग्जामिनेशन मोस्ट ऑफ द बच्चे प्रिफर कर रहे हैं, जिस पर डिसीजन आने के बाद मैं आपको इन्फॉर्म करने की कोशिश करूंगा। बट फिलहाल के सिचुएशन देखते हुए अभी भी डिसीजन पेंडिंग में है, ठीक है। कुछ भी क्लैरिटी आती है मुंबई यूनिवर्सिटी आइडल डिपार्टमेंट की तरफ से या अथॉरिटीज की तरफ से तो मैं आपको यहाँ पर इन्फॉर्म करने की कोशिश करूंगा। मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में एक और इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।